सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा भाग आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे भाग में हम द्विघाती जो सूत्र है जो कि श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर आज हम विस्तार से जानेंगे। इस सूत्र का उपयोग भी हम जो द्विघात समीकरण है उनको हल करने के लिए करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघाती समीकरण को हल करना, हम जानते हैं द्विघाती जो सूत्र है जिसको श्रीधराचार्य जी ने दिया है वो किस पर कार्य कर रहा है, द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी और सी रियल नंबर है, ये तीनों रियल नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये द्विघाती समीकरण है। अब आगे की बात करते हैं, ये जो सूत्र है ये सूत्र ये बोलता है कि x की आपके पास दो वैल्यू निकल के आती है और दो वैल्यू इससे निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब आप कहोगे सर ये ए बी सी कौन से, ए बी और सी क्या है, ये रियल नंबर है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे एक मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि जो ये तीन है ये तीन किसको प्रदर्शित कर रहा है, a को। आप कह दोगे सर ये 3 है जो किसको प्रदर्शित करेगा, a को, और ये 2 है ये 2 किसको प्रदर्शित कर रहा है, b को। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे b को प्रदर्शित कर दोगे। यहाँ पर आप ये जो a है एक है ये एक किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर c को, आप सी लिख दोगे। तो ए बी सी पहचान गए, ए बी सी का मान उठा के इस सूत्र में रखना है, और सूत्र में रखते ही यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार क्या है माइनस है, प्लस माइनस दोनों कंबाइंड रूप में दे रखे हैं, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस। एक बात और गौर करने वाली यहाँ पर, जैसे आपके पास आ जाता पांच एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक बराबर जीरो। अब आप पहचान रहे हो फाइव तो हो गया ए, ये तीन आएगा या माइनस तीन आएगा ये ही प्रश्न वाली बात है। तो आपको यहाँ पर ये चिन्ह को भी लेना है, ये बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का तीन, और आपका जो सी है वो कितना है ए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप जब भी ए बी सी को पहचानो तो ए बी सी को आप चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। अगर प्लस आए तो प्लस लिखना है, प्लस को तो हम इसलिए नहीं लिखते कि अंडरस्टूड बात है, जब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप प्लस ही मानते हैं। लेकिन अगर माइनस वाला चिन्ह अगर आपको आए तो आप उसको, जैसे बी ये आया था माइनस तीन एक्स, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस का तीन, इस बात पे विशेष गौर करना है। और बाकी सवाल तो बहुत ईजी गोइंग हम यहाँ पर कर जाएंगे। आगे बात करते हैं इसी द्विघाती सूत्र से, हमने अभी पढ़ा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ए बी सी रियल नंबर। अब यहाँ यदि ये वाला, यहाँ से मैंने इसको लिया यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो तो x के मान रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, ये आप बिल्कुल कन्फर्म माने, क्योंकि या तो जीरो के बराबर हो किसके मान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, या जीरो से क्या हो बड़े, तो ही एक्स के मान कैसे होंगे वास्तविक, और ऐसा नहीं है तो फिर वो वास्तविक नहीं होंगे। अब हम प्रश्न को लेते हैं, इस प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है उसका हमने पहला ही प्रश्न लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू और अंडर रूट टू एक्स, यहाँ पर एक्स भी है, प्लस एक बराबर जीरो। अब यहाँ पर हम हमारा जो अभी अभी हमने जो सूत्र लिया था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में यहाँ ए की वैल्यू आपके पास दो है, बी की वैल्यू कितनी है टू अंडर रूट टू, हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, इसके आगे माइनस हो रहा है, आपको माइनस भी लगाना है, इस माइनस पे प्लस करना है, यानी माइनस को भूलना नहीं है हमको, बिल्कुल यहाँ पर प्रेस करना है कि यहाँ पर हमसे गलती होती है,
यहाँ पर दो अंडर रूट दो लिखकर ही छोड़ देते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, माइनस को लिखना है यहाँ पर, और सी बराबर आपके पास आ गया ए। अब आपको तुलना करनी है कि वास्तव में ये इसके मान वास्तविक है या नहीं, या लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य का सूत्र कुछ भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है। आप पहले जांचें कि इसका मान वास्तविक है या नहीं, यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अपन को जांचनी है, बी की वैल्यू आपके पास माइनस टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू आप बताओगे कितनी है दो, और सी की वैल्यू आपके पास है एक। आप इसको हल करेंगे, अंडर रूट दो इंटू अंडर रूट दो दो आए, अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दो आएगा, और दो का अंडर रूट दो का वर्ग कितना होता है चार, तो चार दूना आठ, ये तो हो गए आठ, क्योंकि माइनस स्क्वायर में होता है तो प्लस में हो जाता है, चार दूना आठ और आठ एकम आठ, देन आठ में से आठ गया तो कितना बचा जीरो। आपके पास आई कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो आ गया आपके पास। अब जीरो आ गया तो इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर है तो उसके मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, और एक बात और ध्यान रखना, अगर बराबर आ जाए तो दोनों मूल एक जैसे ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब इसको हमें इस सूत्र में रखना है, यहाँ पर हम सूत्र पे रखेंगे, सूत्र आपका बोलता है x इज इक्वल टू बी माइनस, पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये माइनस लिखा, b की वैल्यू आपके पास है ये रहा माइनस टू अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का मान कितना है दो है यहाँ पर, और c की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी कितनी आ गई एक अपॉन टू इंटू ए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर दो, आपने ये वैल्यू रख दी। रखने के बाद में अब इसको सोल्व करना है, हम कक्षा छः पे पहुँच गए जोड़ बाकी पे, दसवीं यहाँ पर समाप्त, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टू अंडर रूट टू ऐसे कैसे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस दो अंडर रूट दो इंटू माइनस दो अंडर रूट दो, माइनस दो माइनस दो कितना हो गया दो दूना चार, और ये कितना रह गया दो, चार दूना आठ, ये आपके पास आ गया एट माइनस चार दूना आठ बटा दो दूना चार। अब आगे देखिए, आप आठ में से आठ गया तो जीरो, जीरो का अंडर रूट जीरो, देन आपके पास बचा टू अंडर रूट टू अपॉन फोर, ये किसकी वैल्यू है एक्स की, दो एकम दो और दो दूना चार, ये आ गया एक्स अंडर रूट दो। आपके पास मैंने कहा था अगर बराबर जीरो है तो उन दोनों के मान क्या आएंगे एक ही आएंगे, और एक ही आएगा तो इस एक के लिए आपके पास ये आपने काटा, काटने के बाद में आप देखोगे अंडर रूट दो ऊपर का रह गया, नीचे कितना है ये दो लिखना है अपन को। अब इसके मान दोनों एक जैसे हैं तो ये अंडर रूट दो बटा अंडर रूट दो, अंडर रूट दो बटा अंडर रूट दो, मैंने शुरू में कहा था अगर इक्वल जीरो आ जाए तो दोनों के मान सेम होते हैं, इसको आगे भी हल कर सकते हैं। आपको पता है अंडर रूट दो ऐसे कैसे, इस दो को क्या लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट दो इंटू अंडर रूट दो, क्योंकि इसका मान किसके बराबर होता है दो के बराबर होता है। इधर भी देखो मैंने अंडर रूट दो बटा, इस दो को क्या लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। अब देखिए ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्या बचा एक्स की वैल्यू आ गई एक बटा अंडर रूट दो, दूसरा इस अंडर रूट से अंडर रूट कट गया एक बटा अंडर रूट दो, ये इसका क्या गया आंसर। सीधी सीधी बात यह है कि वहां पर गुणनखंड में तो हमको सोचना पड़ता है बीच में क्या लिखें, दोनों को गुणा करने पर इसको कैसे तोड़े, कौन सा सूत्र यहाँ पर लग रहा है, या तो आपको सीधा सीधा ये सूत्र अगर आपको सीधा सीधा याद हो गया तो मेरा मानना है कि आप सवाल को बहुत अच्छे से हल कर जाओगे। इसी का अगला प्रश्न लिया हमने, पूछा गया परीक्षा में पहले, ये बिल्कुल अपन को हल्के में नहीं लेना क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आपके पूछा गया है।
यहाँ पर ये आपको समीकरण दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये कि समीकरण को हमको हल करना है। ये एक्स आ गया है यहाँ पर एलसीएम, एक का भाग एक्स में दिया, एक्स बार गया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स का भाग एक्स में दिया, एक बार गया, एक को एक से गुणा किया एक, और इधर बराबर आपके पास तीन बटा एक लिख सकते हैं। वर्ग गुणा किया, इस एक को इससे गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे संख्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक। एक्स को तीन से गुणा किया तीन एक्स को इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक बराबर जीरो, आपके पास समीकरण आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो प्यारे बच्चों, आप जानते हो द्विघाती सूत्र। आप द्विघाती सूत्र लिखोगे, एक्स हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटा दो ए। अब ए बी सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ ए बराबर ढूंढें, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं हम, एक। मैंने कहा जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ईश्वर होता है, उसका मालिक है, सबका ईश्वर एक होता है, तो हमने एक लिखा है यहाँ पर। देन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स के आगे कौन है, माइनस का तीन, इस माइनस को नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। एवं सी की वैल्यू, सी बराबर कितना, एक। अब आपको ये जांच करना है कि ये इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। अब इसको हमको मूलों की वास्तविक है कि नहीं इसके लिए हम वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं, क्या है जीरो से बड़ी है कि छोटी है, बराबर है। इसको जांच करने के लिए बी की वैल्यू आपके पास है सीधा सीधा, यहाँ पर बी बराबर आपने ले रखा माइनस का तीन, ये आ गया माइनस का तीन का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस फोर ए, ए का मान एक इंटू सी का मान एक। अब देखिए आप इसका मान निकालेंगे अपन, तीन तीन नौ, माइनस चार एकम चार, चार एकम चार चार, ये आ गया पाँच। अब पाँच आ गया तो आप बताओगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो से बड़ा है पाँच, तो आप कहोगे ये वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि ये किस इसका मान क्या निकाला है आपने, पाँच। अब जीरो से बड़ा है इसका मतलब मूल कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ मूल वास्तविक होंगे और जब मूल वास्तविक होते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा काम में आता है, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको हल करते हैं। लो भाई, एक्स इक्वल टू बी, बी का मान बी के पहले ही माइनस है और बी आपका यहाँ पर है माइनस का तीन, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर, माइनस तीन का स्क्वायर आ गया माइनस फोर इंटू ए बराबर एक, और सी बराबर आपके पास आ गया एक बटा टू इंटू ए, ए का मान कितना आपके पास एक। देखिए आगे माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया तीन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस तीन इंटू माइनस तीन, प्लस का नौ हो गया, माइनस चार एकम चार, चार एकम चार, ये हो गया बटा दो, तीन प्लस माइनस अंडर रूट नौ में से चार गए तो कितने बचे पांच बटा दो, ये आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब वो इससे आगे हल होगा नहीं, एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लेते हैं माइनस, देन एक्स एक बार तो ले लिया मैंने प्लस, तीन प्लस अंडर रूट पांच बटा दो, एक बार में क्या ले लेता हूँ माइनस ले लेता हूँ, तीन माइनस अंडर रूट फाइव बटा दो, ये आपके एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत इससे इजी तरीका और क्या हो सकता है। जो भी आपको गुणनखंड में जा भी समस्या आया, आप इस तरीके को आप अपनाएं और निश्चित तौर पर आप सवाल को इजी गोइंग कर जाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो, अंडर रूट में हो, चाहे बटे में हो, चाहे कैसे भी हो। जैसे ये बटे में था तो इसको आपको द्विघात समीकरण के स्वरूप में लाना है, उसके स्वरूप में लाने के लिए आपने क्या किया, एलसीएम किया, और एक्स की अधिकतम घात दिखने लग गई आपको, एक्स की घात दो, तो आपने कह दिया कि ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है,
और द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र लगता है, और द्विघाती सूत्र के लिए पहले जांचनी है हमको उसकी नेचर, उसकी प्रकृति जांचनी है कि इसका जो मान होगा वो वास्तविक होगा कि नहीं होगा। तो वास्तविक के लिए आप इसकी विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर 0 के बराबर है तो उसके मान निकलेंगे, लेकिन बराबर निकलेंगे, अगर 0 से बड़े हैं तो निकलेंगे और दोनों अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पर 0 से बड़ा था 5, इसलिए 0 से बड़ा किया, और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर कितने मान आए 2, और दोनों क्या है अलग अलग है। इससे पहले वाले सवाल में 0 बराबर में आया था, इसलिए दोनों मान क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको आपको अच्छे से सीखना है। इसका अगला सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है, इसका विशेष ध्यान रखना है अपन को। 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 2, इसका मान निकालना है आपको। अभी तो ये क्या है कि आपको द्विघात समीकरण के मूल स्वरूप में नहीं है, तो इसको आपको मूल स्वरूप में लाना है। आपको तो एक्स की घात 2 जैसा चाहिए समीकरण, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लिया, एक्स और एक्स माइनस दो का एलसीएम ऐसे कैसे आ गया, इसका भाग इस पूरे एलसीएम में दिया तो एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स माइनस दो ऐसे कैसे आ गया, एक से गुणा करेंगे, अब आ गया एक्स माइनस दो का भाग इसमें लगाया तो एक्स माइनस दो से एक्स माइनस दो कट गया, एक्स का भाग एक्स को एक से गुणा किया तो ये आ गया एक्स, और इधर 3 था, 3/1 मैंने इजी गोइंग लिख दिया। यहाँ पर देखो ये एक्स माइनस का, ये एक्स किसका, प्लस का, कट गया यहाँ पर। कटने के बाद में अब आपके पास बचा माइनस का 2 upon x, कोष्टक चालू, एक्स माइनस 2 बराबर 3 upon 1। अब क्या करेंगे, प्लस गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुणा किया तो ये होगा 3x, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसको खोलते हैं, 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आया, फिर 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6, माइनस का 6x आ गया। ये माइनस का 2 जब मैं इधर ला रहा हूँ तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, बराबर 0। यहाँ जाके आपको पता लग गया कि कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब जब द्विघात समीकरण है तो द्विघाती सूत्र हम जानते हैं, देन वी नो डेट, ये हिंदी में लिख दिया हमने, हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब a और b और c की वैल्यू चाहिए, तो a b और c, a का मान कितना आया यहाँ पर, 3, मैंने 3 लिखा, b की वैल्यू माइनस का 6, ये b की वैल्यू माइनस का 6 है मैंने यहाँ पर लिखा, c की वैल्यू है 2, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ए बी और सी का मान आपको पता लग गया, अब आपको ये पता लगाना है क्या कि इसके जो मूल काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, तो इसके लिए इसकी विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 6 × -6 प्लस का 36 हो गया, माइनस 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 36 में से 24 गया तो 12। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आपका मान है, इसका मान आपके पास आया 12, 12 जीरो से बड़ा है छोटा, तो आप कहेंगे सर जीरो से क्या है, ये बड़ा है। अब जीरो से बड़ा है तो मैंने कहा था या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ऐसी कंडीशन में इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो हमारे पास सूत्र है श्रीधराचार्य वाला, धराचार्य वाला बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ए बी सी की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली रखी है, इसको यहाँ पर क्या करना है, रखना है। यहाँ पर देखो मैंने माइनस का चिन्ह लिखा, यहाँ पर ही गलती होती है ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है सूत्र में, और बी की वैल्यू भी माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 माइनस पहले ही बाहर है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 2, क्योंकि ये a और c का मान हमने 3 और 2 के रूप में रखा, अपॉन 2 × 3, a का मान है 3। अब इसको कक्षा 4 के हिसाब से हमको हल करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 36 में से 24 गए तो कितने बचे 12, ये आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/6। इस 12 को मैंने क्या लिख दिया, 4 × 12, ये देखिए 4 × 12 लिख सकते हैं, 4 × 12 लिखने का सीधा सीधा प्रयोजन मेरा ये था कि 4 का अंडर रूट निकाला जाता है और वो कितना होता है 2, मैंने इसकी जगह कितना लिखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखते ही यहाँ पर केवल अंडर रूट 3 रह गया।
अब इन दोनों में से ये संख्या और ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, इन दोनों का कॉमन लिया, दोनों का कॉमन कितना आ गया, दो कॉमन आ गया, दो कॉमन आते इधर छह था और ये दो कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा, थ्री बचा, प्लस माइनस दो का पूरा भार अंडर रूट थ्री यहाँ पर बच गया, और नीचे कितना छह, अब दो एकम दो, दो तिया छ। अब आ गया आपके पास एक्स के जो मूल है थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, अब इनको अलग अलग करके लिख लो, एक बार जोड़ के लिख लो, एक बार माइनस करके लिख लो। मैंने एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, एंड जो सेकेंड इसकी वैल्यू है थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, ये इसके दो जो मूल थे वो हमने ज्ञात किए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप हल्के में नहीं लें, सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। सवाल है आपके पास, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। इसने कहा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक भी कैसे हैं, धनात्मक है और कैसे हैं, विषम है। ये सारी बात मैं पार्ट दो में कर चुका, सम विषम की बात कर चुका, धनात्मक पूर्णांक की बात कर चुका। माना कि जैसे पहला धनात्मक जो आपका पूर्णांक है और वो भी कैसा है, विषम, जैसे मैंने ले लिया आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक, मैंने ले लिया एक, तो अगला धनात्मक पूर्णांक विषम में क्या आएगा, तीन, तो एक में कितना जोड़ा, एक में कितना जोड़ा हमने, दो जोड़ा। अब हमको पता थोड़ी कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक एक है, तो उसे एक की जगह क्या मान लेंगे हम, एक्स, और एक में कितना जोड़ा था, कितना जोड़ा था हमने, दो जोड़ा था, तो यहां पर भी इसे एक्स में कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे। तो पता लग गया, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पहला विषम जो धनात्मक पूर्णांक हमने एक्स मान लिया, तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस दो। तो यहां पर लिखा मैंने हल, माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, x, तो द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस दो। मैं आपको बता चुका इसको कैसे आया। अब ये सवाल यहां तक तो हम पहुंच ही गए, आगे देखो जिनके वर्गों का योग 290 है, जिनके वर्ग यानी दोनों के वर्गों का योग कर दो, तो प्रश्नानुसार प्रश्न वाला हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्न वाला हमसे ये बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर है, 290 के बराबर है। लो भाई साहब, मैंने इसको 290 के बराबर कर दिया, ये एक्स स्क्वायर पहले का वर्ग और ये दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर दे रखा है, 290। यहां तक हमने समीकरण लिखा, अब इसको हल करते हैं आगे। यहां गया एक्स स्क्वायर प्लस, आपके पास एक फॉर्मूला था, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने प्लस वाला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे खोलेंगे। ये आगे एक्स का स्क्वायर प्लस दो इंटू पहली संख्या एक्स इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 290। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर आ गया, दो दूना चार, ये चार एक्स हो गया, दो का वर्ग कितना हो गया चार, 290 को भी इधर ले आओ, ये 290 बराबर कितना हो गया आपके पास, जीरो हो गया। ये आ गया दो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, चार में से 290 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का माइनस का आएगा 286 इज इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों में से देखिए दो कॉमन आ रहा है, मैंने दो कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर दो दूना चार, दो एक्स माइनस दो एकम दो, दो चौके आठ, दो तीय छः बराबर जीरो, दो को बटे में भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन फोर्टी थ्री बराबर जीरो बटा दो, और जीरो बटा दो का मान कितना हो गया, जीरो। आपके पास समीकरण नंबर एक रख के मैंने यहाँ पर छोड़ा। अब आप इस समीकरण को आप मर्जी पड़े जिस विधि से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग से कर दें, श्रीधराचार्य से कर दें, गुणनखंड विधि से कर दें। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं, गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 143 एक्स स्क्वायर, जोड़ने पर आना चाहिए प्लस का 2x।
अब 143 एक्स स्क्वायर के टुकड़े करने हैं। जब 143 एक्स स्क्वायर के जब हम टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े प्लस का 13x और माइनस का 11x, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x माइनस 143 इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये देखो 13x में से 11x गए तो कितना बचेगा प्लस का 2x, और 13x को माइनस के 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 143 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद में हम इसको कॉमन ले लेते हैं दो दो के जोड़े के रूप में। यहाँ पर x आ गया x प्लस 13, यहाँ पर दूसरा माइनस का मैंने 11 लिया कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 13 बराबर जीरो। देन इन दोनों में से कॉमन ढूंढा हमने x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर जीरो। अब हम इसको दोनों ब्रैकेटों को हम अलग अलग हल करते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर माइनस का 13। हमारा तो उत्तर किस में आना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक नहीं है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, x माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू, इसको जब इधर भेजा तो किसका हो गया प्लस का। आपने प्रथम तो निकाल लिया, प्रथम क्या माना था, प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। द्वितीय क्या माना था, x प्लस 2, ये मैंने लिख दिया x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 2, 11 में 2 जोड़ा कितना हो गया 13, तो क्रमागत धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो कितना हो गया 11 और 13, यही क्या गया है आपका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। अब पहले मैंने बड़ी संख्या मान ली, माना कि बड़ी संख्या कितनी मान ली मैंने x, अब इसने क्या कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या मैंने क्या मान रखी है x, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है 4 गुना, तो 4 को गुना x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। इसका मतलब छोटी संख्या का वर्ग कितना प्राप्त हो गया आपके पास 4x, और बड़ी संख्या क्या है x। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या बड़ी संख्या तो x है तो इसका वर्ग किया x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग आपने निकाल ही लिया 4x है, ये 4x आ गया, का अंतर, अंतर का मतलब माइनस से है, किससे है माइनस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 45 के बराबर है। आपने समीकरण ले लिया है समीकरण नंबर 1, अब इस समीकरण को आप मर्जी पड़े जिस विधि से करो, द्विघाती से करो, श्रीधरज उससे करो, आप पूर्ण वर्ग से करो, चाहे गुणनखंड से करो, जब कुछ भी नहीं पूछे तो आप तो गुणनखंड से कर दो। इसको 45 को इधर लिया है, माइनस का 45 हो गया, अब गुणा करने पर तो माइनस का 45 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, माइनस का 45 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4x, 9 चौका 36, अब किसमें माइनस का आना चाहिए माइनस का, और ये किसका हो गया प्लस का, तो एक टुकड़ा तो हो गया माइनस का 9x, एक टुकड़ा हो गया प्लस का 4x, या क्या माइनस का 9x और प्लस का 4x 5, 9 चौका 36, 9 पंचों का 45, 5 आता है, ये कितना आता है 5, ये आ गया आपके पास माइनस का 9x और प्लस का 5x। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ मैं, गुणा करने पर माइनस का 45x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर 4x आना चाहिए, 9 पंचों का 45, तो आपका एक तो प्लस का माइनस का 9 हो गया और प्लस का 5 हो गया, क्योंकि 5 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंचों का 45 तो किसका होगा माइनस का 45। आपने इसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद इन दोनों को आपने जोड़े बना के इसमें कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, ये आ गया x माइनस 9, अब यहाँ पर कॉमन आया 5, 5 को बाहर निकाल लिया, x बचा है x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढते हैं अपन, ये x माइनस नौ यहाँ पर है, ये x माइनस 9 कॉमन आ गया, बचा क्या है x प्लस 5, ये x और प्लस का 5 बराबर 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 9, तो आपने x, x क्या मान रखा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो आपने निकाल ली 9 ही होगी, 9 के अलावा नहीं होगी। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या माना था 4 × x, x का मान 9 निकल गया, 9 चौका 36, 36 आ गया आपके पास, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये तो वर्ग है छोटी संख्या का, तो
तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट निकालो इसका, अंडर रूट 36 का मान होता है प्लस और माइनस का 6, तो एक बार तो 9 और प्लस का 6 हो सकता है, एक बार 9 और माइनस का 6 हो सकता है, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और बच रहा है, उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता के छोड़ रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है वो। इसमें क्या दे रखा है, इस सवाल में दे रखा है 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए। अब 16 को सबसे पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। माना कि मेरे दो जेबें हैं, एक जेब ये है एक जेब ये, दोनों जेबों में 16 रुपये हैं। इस जेब में अगर 10 रुपये हैं तो इस जेब में कितने होंगे? आप बताओगे कि सर इस जेब में तो आपके 6 रुपये होंगे। फिर मैंने मेरी बात को बदला कि इस जेब में 8 रुपये हैं तो इस जेब में कितने होंगे? आपने कहा नहीं सर इसमें 8 रुपये होंगे। आपने कैसे पता लगाया? क्योंकि दोनों जेबों का टोटल कितना होना चाहिए? 16। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी इस जेब में 2 रुपये हैं तो इस जेब में कितने हैं? तो आप बताओगे सर कितने हैं? 14 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं पूछूंगा कैसे हुआ? तो अब एक छात्र ने खड़े होकर कहा कि सर इस जेब में 2 रुपये हैं, टोटल अपने पास 16 रुपये हैं, तो 16 में से 2 गए तो कितने बचे? 14। तो इस जेब में कितने होंगे? 14 होंगे। मैंने कहा आपको घटा के बताना। आप मैंने कहा इस जेब में 100 रुपये है तो इस जेब में कितने होंगे? तो एक बालक ने तुरंत खड़े होकर कहा कि सर इस जेब में कितने होंगे? 16 माइनस एक्स। हम परीक्षा में क्या कर देते हैं? एक्स माइनस 16 टिका जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है। यहाँ पर पहली संख्या क्या मान ली हमने? एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 16 माइनस एक्स। अब उसने आगे क्या कहा? इसने कहा कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब आप इसको बड़े को और छोटे को मान के और इसको पूरा समीकरण में जमा के, चाहे द्विघाती सूत्र से करें चाहे श्रीघात वो उससे द्विघात समीकरण से करें, द्विघात समीकरण को चाहे द्विघाती सूत्र से करें, चाहे आप उससे करें पूर्ण वर्ग बनाकर करें, चाहे आप गुणनखंड वाली विधि से करें, कोई सी से भी करें आसानी से सवाल हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं आपको निश्चित तौर पे अगले लेसन पे सवाल आपको लूँगा और निश्चित तौर पे मैं बताऊँगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ हो सके। आप निरंतर पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, जो भी समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस समस्याओं को भेजते रहें। मैं आपके लिए निश्चित तौर पर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अगले वीडियो में आपको जवाब देता रहूँगा। आपको शुभकामनाओं के सहित धन्यवाद।